प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में तैयार हुए भव्य ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान को नया रूप देने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। ITPO का नया कॉम्प्लेक्स आने वाले सितंबर में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। ITPO का नया कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन सेंटर्स में होगा, जो जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर्स को टक्कर देगा। आज के ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। इमारत का आकार शंख जैसा है। 02 इसरो ये अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। वहीं पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व के आधार पर भी इसको दिखाया गया है। छह साल के लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद 2700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के प्रगति मैदान में ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। शंख के आकार में बनी बिल्डिंग भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरासत के साथ साथ आधुनिकता का भी संगम है। ITPO इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक इसी नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। नए कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी हॉल, एमपी थिएटर हॉल, इनोवेशन और आइडिया को शेयर करने के लिए 7 इनोवेटिव स्पेस भी बनाए गए हैं। यानी इस परिसर में दुनिया की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इस पूरे कैंपस की खूबसूरती का भी खास ख्याल रखा गया है। इमारत भव्य तो है, लेकिन इमारत को सुंदर बनाने का भी भरपूर प्रयास करा गया है। इमारत में छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक और जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाटर फाउंटेन, ऐसे वाटर फाउंटेन्स, पॉन्ड्स और लेक्स को भी इमारत में बनाया गया है, ताकि जो लोग यहाँ पर आए इमारत में के अंदर ट्रेड फेयर देखने, एग्जीबिशन देखने, वो इमारत की सुंदरता से भी प्रभावित हो पाए। ITPO कैंपस जिस अंदाज में बनाया गया है उससे साफ है कि ये भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसकी बनावट भारत की समृद्धि और शक्ति का भी अंदाजा करा रही है। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।